हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर आप बैक पेपर देने वाले हो, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है चीजें। एग्जाम को हमें कैसे किस तरीके से लिख के आना है, क्या करना होगा, ये जरूरी है। जब तरीका अच्छा होगा लिखने का तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बाकी हम कुछ तरीके आपको बताएंगे जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, मतलब कि बहुत कम समय में। लगभग आपके 10 दिन, 10-11 दिन बचे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। किसी किसी एग्जाम के लिए 5 से 6 दिन बचे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 14 तारीख से 16 तारीख से एग्जाम स्टार्टिंग है। तो उन छात्रों से कहना चाहता हूँ, इतने कम समय में आपको जो दिला सकता है 85%, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो आपको 85% दिला सकता है ना, वो सिर्फ चैनल एक ही है जिसका नाम है पेपर हैकर। याद रखा, वो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है, ठीक है? पेपर हैकर, ठीक है? ये पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है जो आपको कितने, समझ रहे हो, 85% दिला सकता है। तो उसके कुछ तरीके होंगे, कुछ रूल होंगे इनको करने के। तो क्या तरीका है पहले वो जान लो। देखो, कॉपी जब भी आपकी भरी हो, जब कॉपी आप मिलती है, जब आपको कॉपी मिलती है, तो आप क्या करोगे, 85% कैसे लेके आओगे? देखो, कॉपी में लिखने का तरीका पहले देख लो, आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। देखो, हम क्या करेंगे, हमें मान लो ये कॉपी है, याद रखना, इस टाइप से कॉपी होगी आपके पास, मिलेगी कॉपी, ये बंद कॉपी है, इसमें आपके रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरे होंगे, याद रखना, जो भी भरना है वो भर देंगे। इस कॉपी को हम ओपन करेंगे इस प्रकार से, ये कॉपी जब ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार से खुलेगी ये। तो अब इसमें क्या होगा, ये इसमें पूरी पूरी लाइनिंग होगी, आपको पता होगा, जब दूसरा पेज हम लौटेंगे तो पूरी पूरी लाइनिंग होगी, इधर भी ये लाइनिंग होगी, इस प्रकार से कॉपी होती है, होती है। तो हमें क्या करना है, जब ये कॉपी होगी उसके बाद में हमें, देखो, जब ये कॉपी होगी इस प्रकार से, उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि अब हमें ये जो पहला पेज होगा, इस प्रकार से ये लौट देंगे इधर को, तो पहला पेज होगा, तो इस पे हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है पहले पेज पे। उसके बाद में ये जो पेज होगा, इसको हमें अंडरलाइन करना होगा, ठीक है? बॉर्डर लाइन से कहते हैं, बॉर्डर बनाना पड़ेगा। बॉर्डर जब भी बनाएंगे तो अपने लेफ्ट साइड बनाएंगे, राइट साइड में नहीं बनाना है। मतलब लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला, ये लेफ्ट साइड है, दो लाइनिंग खींच देंगे, राइट साइड में नहीं बनाना है। इस साइड में बॉर्डर जो खींचना है वो कहाँ खींचना होगा, हमें लेफ्ट साइड में खींचना। इसी प्रकार से ये पेज और पलटेंगे, तो ये क्या होगा, जब ये पेज पलटेंगे तो याद रखना, जब ये पेज पलटेंगे तो ये फिर भी ये लाइनिंग लाइनिंग दिखाई देगा, ठीक है? दूसरा जब पेज हम पलटेंगे तो ये लाइनिंग वाला दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है? और इस साइड में फिर बॉर्डर खींच लेना है इसके, इस साइड बॉर्डर, इस प्रकार से सारे पेजों पे हमें बॉर्डर खींच लेना है फटाफट, जो कॉपी हमें मिलती है। तो इतने टाइम में हमें सब इतना ही करना है। जब हम कॉपी लेंगे, हमें 10 से 15 मिनट पहले मिलती है, 20 मिनट पहले मिल जाती है कॉपी, तो हमें सिर्फ इतना काम करना होगा, उसमें बॉर्डर बनानी है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? पहले हमें कॉपी में अपना रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है, उसके बाद में हमें बॉर्डर बना लेना है। हमें बॉर्डर बनाने में टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है? यदि हम स्टार्टिंग में बॉर्डर बना लेंगे उसके, तो इस प्रकार से दोनों साइड में कभी बॉर्डर मत बनाना, हमेशा अपने लेफ्ट साइड में बॉर्डर बनाना है। ये जानकारी हुई पहली। अब उसके बाद में हम आपको कुछ बता दें, जब ये कॉपी आप इस प्रकार से बना लोगे, अब हमें एग्जाम लिखना कैसे है। देखो, ये जब कॉपी आपकी लिखी होगी, याद रखना, जब ये कॉपी आपकी होगी तो इस प्रकार से मान लीजिए ये बीच का हिस्सा है कॉपी का, ठीक है? और ये अंडरलाइनिंग है, इस प्रकार से पेज है आपके जो भी है, आप इसको लिखते हो तो सबसे ऊपर आपको क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जो आपको याद है, जो आपको याद है, एक मिनट रुकते हैं। देखिए, हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें याद है, कौन से, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को करना, फर्स्ट बात, फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूं आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमको पेपर मिलते ही क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चनों को करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है? जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें सबसे पहले करेंगे, चाहे जो भी याद हो, दो याद हो, चार याद हो, या फिर आपको चार क्वेश्चन पूछे उसमें से एक ही याद हो, लेकिन जो याद है पहले वो करेंगे, ठीक है? सबसे पहले वो करेंगे लॉन्ग को, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चनों को करना है, जो जो याद है पहले वो करना है, ये नहीं कि सबको एक तरफ से बनाते हुए चलना है, जो याद है वो इस कॉपी में उतारते चलना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चनों को, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चनों को, उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को, जो भी आपको याद है, ठीक है? उसके बाद जब आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे, अब क्या बचा तुम्हारे पास में, अब क्या बचा, अब आपको बचा बहुविकल्पी क्वेश्चन, किसी किसी के आते हैं तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसके भी आते हैं, जैसे कि एमजेपी या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें क्या होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले पेज पर क्या है, फर्स्ट पेज पर, याद रखो, फर्स्ट पेज पर, ठीक है? सभी छात्र फर्स्ट पेज पर क्या है, एमसीक्यू को उतार लिया करो। कैसे उतारोगे, आपको उतारने का तरीका बता रहा हूं, जैसे कि यहां लिखना क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वो किस प्रकार से उसका लिखाओ, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है, पेज पे उन पेजों पे क्या लिख लेंगे इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 आप इस प्रकार से जितने क्वेश्चन है वो इस प्रकार से नोट कर लेंगे सारे। अब उसके बाद में हमें क्या है, जब याद आ रहा है जो याद हो वो आंसर को तुरंत लिख देना, जो याद ना हो उसको छोड़ देना है, जगह छोड़ देना। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ आंसर लिख देना, जो भी आंसर है वो यहाँ आंसर लिख देना, जो भी आंसर है उसके नीचे आंसर लिख देना, बस इतना हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, समझ में आ रहा है जी, आंसर लिख दोगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, आप एक आंसर लिख दोगे। अब इतना क्लियर हो गया, अब हमें क्या बचा, अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे याद करें कि हम 85% ले आए। लिखने का तरीका ये होगा, अच्छे तरीके जो याद है वो करोगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो याद नहीं है, जो क्वेश्चन याद नहीं है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन आपको याद था, दूसरा याद था, तीसरा नहीं था और चौथा था याद, तो आपको पहला करना है, दूसरा करना है, चौथा करना है, तीसरे को छोड़ दो जो याद नहीं है, उसे छोड़ दो, उसे तब करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तब एग्जाम में, ठीक है। पहले इनको अच्छे तरीके से निपटा दें, क्योंकि ये तो हमारे नंबर पक्के हैं, इनको हमें लेना है, इसको क्या करेंगे लास्ट में करेंगे, जब हमारा टाइम, जब हमारा क्या हो, ये कंप्लीट हो जाते हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ये पहला दूसरा चौथा, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को उठाएंगे, और इस तीसरे क्वेश्चन को उठाएंगे, और जो भी हमसे इसमें मान लीजिए कि हमने शायद ही पढ़ा है, लगभग हमें याद नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा है लेकिन इसके बारे में जो भी पढ़ा है उसको बना बना के लिख के आएंगे, मतलब कि इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, मेरे मतलब यह है कि क्वेश्चन कितने भी आए, मतलब क्वेश्चन एग्जामर आपसे देता है तो आपको छोड़ छोड़ के नहीं आना है, समझ रहे हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, उसे चाहे बना बना के लिख के आना पड़े आप बना बना के लिख के आएंगे, ओके, कोई दिक्कत किसी को बताओ, कोई किसी को दिक्कत, कुछ भी हो जाए बना बना के आए तो बना बना के करके आओ, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अब उसके बाद में आप बात करने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, वो एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही है, आप एमसीक्यू की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का जो लिंक होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है बेटा, लिंक कहां होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लेना, पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ओके, क्या हुआ छोटू, शांति से जाना, ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो इतना क्लियर होगा हमारा, इतना क्लियर हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके भी आ रहा है, अब जिसके रिटन परीक्षा हो रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जिसकी क्या हो रही है परीक्षा, कैसी हो रही है भाई, रिटन एग्जाम हो रहा है, जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है याद रखिए, जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अब जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है तो उनको वो क्या करेंगे भाई, उनके लिए हमने पूरे पूरे मतलब कि यदि तीनों पेपर है एक साथ, तीनों पेपर आपके हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर हो रहा है, सेकेंड हो रहा है और थर्ड हो रहा है, तीनों पेपर एक साथ हो रहे हैं, उनके लिए हमने तीनों के लिए एक साथ एक वीडियो बना दी है, एक ही वीडियो हमने प्रोवाइड किया, ठीक है, एक ही वीडियो हमने प्रोवाइड किया वहां आपको, एक ही वीडियो, यदि जिसके अलग अलग पेपर हो रहा है, जैसे फर्स्ट पेपर हो रहा है उसके बाद सेकंड पेपर हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक एक वीडियो अलग से प्रोवाइड की है, तो उन छात्रों से कहना चाहूंगा उन वीडियो को देख लेना, जो एक वीडियो तीनों पेपर के एक साथ में है वो लगभग में वही क्वेश्चन होंगे, 18 से 19 क्वेश्चन होंगे तीनों पेपर के एक साथ, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, मैं आपसे वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 85% यहां से फंसेगा आपके एग्जाम में। और वही बात की जाए अलग अलग वीडियो की, अलग अलग जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग करा रही है, तो उनके लिए क्या है अलग अलग वीडियो हमने बना रखी है, तो वो अपना, या फिर जैसे कि बात की जाए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है तो वो अलग अलग करा रही है, तो उनके लिए हमने अलग अलग इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इस तरीके से तैयारी करिए और इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। कुछ हमने प्लेलिस्ट पर देखिए बात की जाए, एक मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें हमारे आल ऐप दिखाई देंगे, मतलब क्या है आल ऐप प्ले स्टोर पर जो आपको फ्री होंगे, मतलब कि आप जो नोट्स की बात करते हो कि सर नोट्स दे दो हमें, तो वो नोट्स आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगे वो भी फ्री, आप अपने फोन में ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिजिक्स के बन चुके हैं, सेकेंड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट बन गया है, थर्ड पेपर बन गया है, तो जो भी है सेकेंड ईयर वालों का मैथ के बन गए हैं कुछ पेपर, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो प्ले स्टोर का जो लिंक दे रखा है प्ले स्टोर आल ऐप उस पर टच करना है और आल ऐप दिखाई देंगे, जो भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम के भी वहां आपको बहुत ही जल्दी
पब्लिश कर दिए जाएंगे सारे ऐप, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप किसी को नोट्स लेने की जरूरत ना हो, आप परेशान ना हो, उनकी सारी परेशानी को दूर करने के लिए हम उपस्थित हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को याद कर जो हमने इंपोर्टेंट दिए हैं वो आपको 85% दिलाएंगे, ठीक है। और आप एग्जाम में जब भी जाओगे तो अब तरीका यही होगा जो लिखने का मैंने तरीका बताया, चाहे कुछ भी हो जाए हमें याद हो या ना हो क्वेश्चन को बना बना के लिख के आना, ठीक है। लेकिन हाँ कॉपी को पूरा भरना है, मेरा तरीका यह मतलब कॉपी को पूरा भर के आना। देखिए रिटर्न जब एग्जाम होता है, अब एक बात बता दो मुझे, अभी जो एग्जाम हुआ था ठीक है, और बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी लिख के आए थे लेकिन फिर भी फेल हो गया, इसका कारण क्या था बताओ? कुछ ना कुछ तो हुआ, रीजन तो होगा कुछ ना कुछ, उन्होंने कॉपी गलत चेक की। क्यों की? आपकी कॉपी मान ली बहुत भरी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी उसने गलत किया क्यों आपके साथ? आपको भी पता होगा ना, बताइए क्यों हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ पहले आप वो करो जो आपको याद है, जब भी एग्जामर पढ़ाई करता है मतलब आपकी कॉपी को देखता है, कॉपी चेक करने वाला टीचर, तो वो आपको देखेगा। स्टार्टिंग में तो आपका सब कुछ सही होगा, कोई इशू नहीं है, वहां से वो नंबर देते स्टार्ट करेगा, क्योंकि एंड से कॉपी थोड़ी चेक करता है कोई टीचर, स्टार्टिंग से करेगा, शुरू से उसने नंबर देगा जो भी देने का है। उसके बाद में आपका जो भी बना बना के भी लिखा है उसका भी एक दो नंबर दे देगा, समझ रहे हो। लेकिन आपने यदि कोशिश की है वहां पे तो, और आपने कोशिश ही नहीं की, क्वेश्चन को पूरा छोड़ दिया, तो क्या होगा, रीजन क्या है इसका? भैया कुछ नंबर ही नहीं मिलेगा यार, जब कुछ लिखा ही नहीं है उसमें तो नंबर कहां से मिल जाएगा? नंबर तभी मिलने का चांस रहता है जब आप कॉपी को अच्छे तरीके से भरते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कॉपी को जरूर भरना, और जो इंसान कोशिश करता है जीतता वही है, ठीक है, संघर्ष से ही जीत होती है ये आप जानते हैं। और बाकी मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, उनका भाई बहन कोई आर्मी की कर रहा है तो आर्मी की हम क्लासेस लेंगे अभी हाल ही में, तो आर्मी की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस तरीके से तैयारी करनी है, और कॉपी में जो लिखने का तरीका है वो यही रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना जो हमने बता रखे हैं, वीडियो देख सकते हैं, बीएससी पेपर हैकर पे जाके देख सकते हैं आप इसको, देखिए आप ये सर्च करेंगे ना बीएससी बाई पेपर हैकर, बीएससी बाई पेपर हैकर, ठीक है, पेपर बीएससी बाई पेपर हैकर आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी बाई पेपर हैकर पे भी सारी वीडियो बीएससी की मिलेंगी, या बीएससी से रिलेटेड है बीएससी रिलेटेड है बीए पेपर हैकर पे पहुंच जाइए, बीकॉम से रिलेटेड है बीकॉम बाई पेपर हैकर पे पहुंच जाइए, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक, बाय।